हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गरिमा शर्मा फ्रॉम अरिहंत पब्लिकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लॉ क्लर्क की वैकेंसी। देखिए, जो भी लॉ कैंडिडेट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, लॉ करने के बाद खाली बैठे हैं, ट्रेनिंग नहीं कर पाए हैं, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा निकाली गई ये वैकेंसीज, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेशली जो भी लॉ के कैंडिडेट्स हैं, लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने लॉ किया हुआ है और उसके बाद वो इंतज़ार में थे इस तरह की वैकेंसी का, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, जिससे कि आप समझ पाएंगे, ईजी होगा आपके लिए समझना कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी इस पोस्ट पर आपको अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वेट किस चीज़ का कर रहे हैं, जल्दी से आइए और वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, हम बात करते हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद द्वारा निकाली गई 102 पोस्ट की। तो ये जो पोस्ट निकली है, ये लॉ क्लर्क के लिए निकली है, ट्रेनिंग के लिए, जो कि किस पे होंगी। एक आपको वन ईयर का आपका कॉन्ट्रेक्चुअल इंगेजमेंट प्रोसेस होगा, उसके बेस पे निकलेंगी ये। वन ईयर के लिए क्या हो जाएगा, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके लिए जो आपको सैलरी दी जाएगी, पे किया जाएगा, वो होगा 15,000 पर मंथ। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपकी एज लिमिट मांगी गई है, 21 इयर्स टू 26 इयर्स रखी गई है। कब से कट ऑफ डेट क्या दी गई है यहाँ पे, 1 जुलाई 2020, और इसकी जो लास्ट डेट होगी फॉर्म की वो है 8 अगस्त 2020। तो ये तो शॉर्ट में इंफॉर्मेशन हो गई इस पोस्ट के बारे में। अब डिटेल में देखते हैं कि क्या वैकेंसी है, ये किस तरीके से निकली है और किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपने लॉ किया हुआ है और आप जानना चाहते हैं कि इसके साथ ही क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं हमारी 102। इसमें से अगर बात करें कि क्वालिफिकेशन की, तो आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, 3 ईयर्स प्रोफेशनल या फिर 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किस ट्रेड में, लॉ में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, ऑल इंडिया लेवल पे है, किसी भी स्टेट के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज से अगर आपने लॉ किया हुआ है, चाहे फिर वो 3 ईयर्स के को डिग्री हो या फिर आपकी 5 ईयर्स की इंटीग्रेटेड डिग्री हो, आप क्या है, एलिजिबल है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ और क्या होगा, जिन्होंने LLB का फाइनल ईयर यानी कि लॉ का फाइनल ईयर 2019-20 एग्जामिनेशन में किया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, बिल्कुल ये उनके लिए भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आप पास कर हो चुके हैं, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने फाइनल ईयर कर लिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मिनिमम जो आपको मार्क्स चाहिए वो चाहिए 55%। तो यहाँ पे एक कंडीशन रखी गई है, 55% मार्क्स वाले कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके 55% मार्क्स हैं, वो बिल्कुल एलिजिबल है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, ये तो बात थी आपकी डिग्री की कि आपको लॉ की डिग्री चाहिए, तो वो कौन सी होनी चाहिए, 3 साल की या 5 साल की, तो दोनों के लिए आप एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं, इसके अलावा आपको कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि डेटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग और कंप्यूटर ऑपरेशंस की। तो ये दो इस तरह के एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जो रिक्वायर्ड है इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, अब बात करते हैं एज की। तो देखिए, एज मैंने बताई थी 21 साल से 26 साल तक के अगर आप हैं, तो बिल्कुल आप एलिजिबल है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन आपका इंटरव्यू बेस्ड होगा, कोई एग्जाम नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बेस पे सिलेक्शन किया जाएगा, जो कहाँ होगा, इलाहाबाद में। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो बात है इंटरव्यू की और सिलेक्शन प्रोसेस की, इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं, कुछ और भी कंडीशंस हैं इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, आपका जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट रहेगा वो 1 ईयर रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट हो जाएगा आपका। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, जो जुडिकेचर है उस पे डिपेंड करता है, अगर वो चाहे तो वो उससे पहले भी टर्मिनेटेड कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी जो कंडीशन है इनकी, वो है मैरिटल स्टेटस की। तो देखिए, अगर किसी भी कैंडिडेट की मोर देन 1 स्पाउस है या फिर मैरिड टू सच अ पर्सन हु ऑलरेडी हैड ए लिविंग लीगली वेडेड वाइफ और हस्बैंड, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से शादी करते हैं जो ऑलरेडी मैरिड है, वेदर इट इज मेल और वेदर इट इज फीमेल, तो आप क्या है, एलिजिबल नहीं है। इफ यू हैव सिंगल स्पाउस, अगर आप मतलब
सिंगल पर्सन से मैरिड हैं तो आप क्या है एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की कि आप किस कंडीशन में आपको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है। तो देखिए जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है अ कैंडिडेट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल केस वेदर कन्विक्टेड और चार्ज शीटेड शैल बी बार्ड फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द अबव पोस्ट। अगर आप किसी भी तरीके के क्रिमिनल रिकॉर्ड केस में इन्वॉल्व हैं, चाहे फिर वो कन्विक्टेड हो या फिर अभी आपकी चार्जशीट जारी की गई हो, तो आप क्या है डिस्क्वालिफाई है, आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड जो कंडीशन है वो है यहाँ पे दूस वो हैव ऑलरेडी वर्क्ड एज ए लॉ क्लर्क ट्रेनी विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई अगेन। बिल्कुल, जो कैंडिडेट्स पहले से ही एज ए लॉ क्लर्क वर्क कर रहे हैं ट्रेनी के लिए, तो वो क्या है वो भी एलिजिबल नहीं है, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। तो ये तो बात हुई टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये चीजें आप समझ चुके हैं किस किस बेस पे आपको डिस्क्वालिफाई किया जा सकता है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या कंडीशंस का होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई किस तरीके से करना है। तो देखिए दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन फॉर्म है जो है वो आपका इलाहाबाद के हाईकोर्ट जुडिकेचर से आप डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं जो कि 300 रुपीज का है, या फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.allahabadhighcourt.in की, वहां से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म का जो चार्ज है 300 रुपीज, उसका एक बैंक ड्राफ्ट बनवा के इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद के नाम पे क्या करना होगा, एक डिमांड ड्राफ्ट बनवा के सेंड करना होगा। इसी के साथ जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ आपको क्या क्या चीजें अटैच करनी है, और क्या क्या चीजें अटैच करके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो अटैच करके आपको सेंड करने होंगे, एक बार वो देख लेते हैं। इसके साथ ही आपको 1 ड्यूली अटेस्टेड कॉपी ऑफ हाई स्कूल मार्कशीट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट एंड प्रूफ ऑफ एज / डेट ऑफ बर्थ, इंटरमीडिएट मार्कशीट, इंटरमीडिएट पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स रिगार्डिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड कंप्यूटर नॉलेज अलॉन्ग विद 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप। साइज क्या होना चाहिए एनवलप का, 5x10। तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब पे क्या होना ज़रूरी है, एक पोस्टेज स्टैम्प होना 40 रुपीज़ वाली ज़रूरी है, और आपको इसे सेंड करना है किस एड्रेस पे, रजिस्ट्रार जनरल हाईकोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद, इधर बाय स्पीड पोस्ट, या तो आप सेंड कर सकते हैं या फिर स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट विद AD और थ्रू कुरियर, ठीक है। तो किसी भी मोड से आप इसे सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये तो प्रोसीजर था किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जितने भी लॉ कैंडिडेट्स हैं, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप एलिजिबल हैं, अगर आप इसी एज लिमिट को और जितनी भी कंडीशन बताई गई हैं इस वीडियो में मैंने उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पूरा करते हैं, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए 8 अगस्त लास्ट डेट है, साइट भी हैंग हो जाती है, कई बार बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कि लास्ट मोमेंट पे फॉर्म फिल नहीं हो पाता, डाउनलोड नहीं हो पाता, तो आप वेट करने से अच्छा है कि आप टाइमली इसे फिल कर दें। और जो कैंडिडेट्स इलाहाबाद के आसपास के एरिया से बिलोंग करते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट जाके भी फॉर्म परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस यही तक था, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।